हेलो साथियों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपन लोग ने इससे पिछले वीडियो में हीरो का सूत्र शुरू किए थे। मेंस्ट्रुएशन का एक चैप्टर था, हीरो का सूत्र उन्होंने हम शुरू किए थे, और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला थे सारे को हमने एक जगह कर दिए थे। उसमें से एक का एक्सप्लेनेशन कर दिए थे, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हाफ इंटू आधार गुनी शीर्ष लंब। ये बात की चर्चा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दिए थे। आज एक्सप्लेनेशन नंबर सेकेंड है, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताए थे, जो √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर बताए थे। आज इसका अपना लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। समझ रहे हैं ना? तो चलिए हम आपको डिटेल्स इसके एक्सप्लेनेशन बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ध्यान देंगे सब आदमी, एक त्रिभुज बना लिए, और यह त्रिभुज जो है यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। इसका जो सब भुजा क्या है, बराबर, मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं अपना लोग, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। यह समबाहु त्रिभुज है, और चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सब भुजाएं बराबर होंगे, सब आदमी को पता होगा। और इसका नामांकन हम कर ले पहले, ए बी सी, तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नामकरण हम कर दिए ए बी सी। चलिए अब क्या करते हैं, हम यह जो शीर्ष है त्रिभुज का, इससे इसके सम्मुख भुजा पर एक लंब डाल देते हैं। तो एक लंब अगर हम यहाँ डाल दें, और यह जो लंब है ये बिंदु जिसको हम डी मान लेते हैं फिलहाल, और सब भुजा की लंबाई जो है उसको हम ए मान लेते हैं। ध्यान से बाद में समझते चलेंगे, और इस भुजा की भी लंबाई हम ए मान लेते हैं। अब किसी के मन में आता है सर आप ए ही क्यों मान रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको जो मन है मान लीजिए। हमको अच्छा ए लग रहा है तो हम ए लेके मान रहे, आप एक्स लग रहा है तो एक्स लेके भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब आदमी इसको वीडियो को पॉज करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, चूंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये जो त्रिभुज का जो ये जो शीर्षलंब खींचे हैं ना, ये त्रिभुज को दो बराबर भाग में बांट दिया, मतलब ये टुकड़ा के बराबर होगा, क्योंकि ये भुजा का ये मिड पॉइंट है, समझ गए ना? तो यह जब इसकी मध्य बिंदु है तो ये टुकड़ा के बराबर होगा, बस समझ रहे ना? मतलब ई और ई, मान चलिए अगर ये पूरा चार है आ इसका मिड पॉइंट है तो 2e और 2e होगा, यानी कि आधा हो गया पूरा का। तो उसी प्रकार जब पूरा का हम a माने हैं तो e जो है पूरा का क्या होगा, bd, मतलब bc का ही पूरा क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो यह टुकड़ा हो जाएगा a/2, यानी कि हाफ हो जाएगा। तो यह हाफ है तो यह भी इसका हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बात समझे ना? चलिए समझ गए होंगे सब आदमी। अब चलिए यहाँ पर कुछ लेट कर लेते हैं अपना लोग, मान लेते हैं त्रिभुज जितना काम था अपना लोग ने कर लिए। तो चलिए सबसे पहले मानते हैं, माना कि एबीसी एक एक समबाहु समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसमें, अपन लोग मान लिए, माना कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें, तो जिसमें देख लीजिए यहां पर ए बी बराबर
BC बराबर AC, सबको अपन लोग क्या माने हैं, ए माने हैं, ठीक ना। तो सब आदमी ए दे दिए, और AD जो है BC पर क्या है, परपेंडिकुलर, उसको भी लिख दीजिए, AD परपेंडिकुलर BC, उसको भी लिख लिए सब आदमी। और उसके बाद देख लीजिए, ये टुकड़ा क्या है, बराबर है, यहाँ लिख लेते हैं BD बराबर DC, BD बराबर DC बराबर क्या है, A/2 है, इसको भी लिख लिए सब आदमी। अब चलिए ध्यान देते हैं, लिखते हैं, अब देखिए, अब जो है सब आदमी अगर देखना चाहे तो देखिए, यह जो समबाहु त्रिभुज था इसमें दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक इधर से एक इधर से। देखिए यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और यह भी समकोण त्रिभुज है, तो आप किसी एक त्रिभुज में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मेरा मन करता है ABC में करने का, तो आप ABD में, बात बराबर इससे में, क्यों देखिए ना, A/2 यह भी है, ए है, और फिर A/2 है, ए, दोनों तो बराबर काम करेंगे तो सेम ही सेम आएगा, तो आपको जिसमें मन आप कर सकते हैं, हम ADC में कर रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में, चलिए करते हैं। तो समकोण त्रिभुज का एक रिलेशन होता है पैथागोरस प्रमेय का, जो समकोण त्रिभुज में जो बड़े भुजा होते हैं उसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अंदो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, यह पैथागोरस साहब ने दिए थे, समझ गए ना। अपन लोग कर लेते हैं, कर्ण इसमें कौन सी है, मतलब AC है, और परपेंडिकुलर कौन सी है, AD, और याद नहीं, खड़ा रहेगा तो परपेंडिकुलर, और पारा रहेगा तो उसका आधार बोलेगा, खड़ा को लंब बोलेंगे, पारा को आधार बोलेंगे, खड़ा पारा, समझ गए ना। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, समझे ना। मतलब कर्ण सबसे बड़ी भुजा होते हैं, हमको यह चाहिए अभी फिलहाल, क्या चाहिए हमको, परपेंडिकुलर चाहिए। तो AD का स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर माइनस DC के स्क्वायर। अगर किसी के दिमाग में यह समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम आपको इसको समझाना चाहते हैं, ध्यान से समझ। जैसे देखिए, यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी कर्ण कहते हैं इसको, ठीक है, सिंबल इसको S से संकेत करते हैं, इसको आधार कहते हैं, यानी इसको B कहते हैं, ठीक ना, इसको अपन लोग लंब कहते हैं, यानी कि P कहते हैं। समकोण त्रिभुज कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ पर क्या है, H है, क्या लिखेंगे, H का वर्ग अंदो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा, यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही है। हमको अगर लंब चाहिए तो क्या करेंगे बताइए, तो लंब चाहिए तो लंब का स्क्वायर, H है, इसको इधर करेंगे, मतलब B को इधर करेंगे, तो इसमें से माइनस नहीं होगा, तो यही काम तो यहाँ पर किए हैं, देख लीजिए, यही काम तो यहाँ पर किए हैं, कि है ना, मतलब इसका लम्ब है, इसका कर्ण आधार है, तो हमको ई चाहिए, तो यह ले लिए कर्ण, जो घटा लिए, समझे ना। चलिए समझ गए सब आदमी, अब ध्यान देते हैं आप, AD का स्क्वायर बराबर, अब ध्यान दीजिए, AC है, तो क्या AC को आप कुछ माने हैं, देख लीजिए, AC क्या है, ए है, तो ए है तो ए का स्क्वायर कर लेते हैं माइनस, DC है तो DC को क्या माने, देख लीजिए, हाफ है, A/2 है, इसको A/2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, समझे ना, सवाल समझ रहे होंगे। चलिए AD के स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो यह A² होगा माइनस, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये जो होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा A² और बट्टे में 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगला स्टेप देखते हैं, AD के स्क्वायर, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे LCM ले लीजिए 4, तो 4 लेंगे तो इसको काटेंगे तो 4 मतलब कटेंगे, और 4 को A से गुना करेंगे A² से, तो 4A² हो जाएगा माइनस 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर A² हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं, देखिए अगर 4² में से 1A² चल जाएगा, 4A² में से 1A² चल जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 3A² बटन, क्या बच जाएगा
फोर बच जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये ए डी है, इसका स्क्वायर है, उधर भेजेंगे तो रूट चला जाएगा। इसको लिख लीजिए आप लोग, ई डी बराबर रूट अंडर 3a² / 4। देखिए समझ में यहाँ नहीं आने लगे तो आप सीधा समझिएगा, ये जो है ना ये टोपी है, क्या है ये टोपी। तो आप गाना गया टोपी हटाओ छाता लगाओ, टोपी हटाओ छाता और ले छाता। देखिए टोपी हटा के छाता लगा के, समझ गए ना, टोपी हटाओ छाता लगाओ, ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग, समझ में आएगा। तो अब ध्यान से यहाँ समझिए, यह ए डी जो है इसको हम ए डी ही रहने दें अभी, और आप ध्यान दीजिए, देखिए ए का स्क्वायर है, तो अगर इसको हम बारी बारी सब पर रूट करें तो ई रूट 3 होगा, और गुना में ई रूट इसका भी स्क्वायर होगा, और बटे की बात करें तो इस पर भी रूट में, पूरा में रूट था ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ई तो 3 तो रूट से निकलेगा नहीं, इसको हम ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, इसको रूट 3 ही छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए ई 2 है, ई 2 से ई रूट तो कट जाएंगे ना, तो यहाँ क्या बजेंगे, ए बजेंगे ना, यहाँ पर रूट 4, तो रूट 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, बस में ना। तो कितना ऑब्जेक्टिव आपसे यह भी पूछ लेगा कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलम्ब क्या होता है, तो आप इस चीज़ को भी याद कर लीजिए, हम लिख देते हैं इस चीज़ को, समझ गए ना। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, तो समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब जो होता है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लेंगे, वह होता है √3/2 × भुजा, समझ गए ना। तो यह समबाहु त्रिभुज का क्या हो गया, शीर्षलंब हो गया, कितना बार यह भी पूछ लेगा आपसे। अब ध्यान दीजिए, आपको अभी हम एक फार्मूला बताए थे इससे पिछले लेक्चर में, अगर किसी भी त्रिभुज में आधार और शीर्षलंब दिया होता है तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, 1/2 × आधार × शीर्षलंब, सबको पता है। तो चलिए अब यहाँ हम ज्ञात करते हैं, सब आदमी ध्यान दीजिए, अब यहाँ हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के एक फॉर्मूला आपको बताए थे, 1/2 × आधार × शीर्षलंब, शीर्षलंब। चलिए अब ध्यान देते हैं, तो हाफ तो रहेगा ही, यहाँ आधार है, तो आधार देख लीजिए, इसका जो आधार आप देख रहे हैं ये पूरा, ये तो पूरा त्रिभुज ना समबाहु त्रिभुज है, तो पूरा का आधार, पूरा का आधार आप क्या लिए है, यहाँ पर देख लीजिए, यह जो वहाँ पर है पूरा का आधार क्या लिए है, पूरा ए लिए है ना, तो आधार आप क्या दीजिएगा यहाँ पर, यही तो दीजिएगा ना, तो यहाँ पर ए दे दीजिए, गुना शीर्षलंब अभी तुरंत निकाल लें अपना लोग, देख लीजिए √3/2 × a, यहाँ पर दे देंगे √3/2 × a दे दिए, बात समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिए, 1/2 है तो 2 रहने दीजिए, a को a से गुना कीजिएगा तो यह ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो गुना यहाँ पर लिख लेते हैं √3/2, गुना ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 को 1 से गुना करेंगे तो यह तो √3 ही रहेगा, अब 2 को 2 से करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ही रहेगा। तो यही आपकी समबाहु त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल है, समझ गए ना। तो सब आदमी यहाँ पर लिख लीजिए अच्छा से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, और इसको एक जगह भी हम कर दिए थे, समझ गए ना। तो सब आदमी इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।